हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देर आर सो मेनी पीपल हैव रिक्वेस्टेड फॉर दिस टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड द हॉफस्टेड मॉडल ऑफ कल्चर अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को पढ़ रहे हैं नेशनल कल्चर को पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी कोई कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं या आपके अगर सिलेबस में इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है तो आप एक मॉडल जो मिस नहीं कर सकते दैट मॉडल इज कॉल्ड हॉफस्टेड मॉडल और इस मॉडल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज के सेशन में इसके नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा तो इस वीडियो को जरूर देखें कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सो सो लेट्स बिगिन नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कहां से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ पूरे स्टडीज का थोड़ा ओवरव्यू लेंगे बिफोर वी गेट इनटू द डायमेंशन ऑफ दिस स्टडी प्रोफेसर गिर हॉफस्टेड जिन्होंने ये मॉडल दिया है और ही कंडक्टेड वन ऑफ हिज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज टू हाउ वैल्यूज इन द वर्क प्लेस कल्चर तो मेन ऑब्जेक्टिव जो था मॉडल uh, होता है वर्क प्लेस का या किसी भी नेशनल कल्चर होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है वो किस तरह से किसी इंडिविजुअल के वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करता है उसके ऊपर उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी और बहुत ही कॉम्प्रसिव स्टडी थी और स्टडी को उन्होंने किया कहां पर था तो उन्होंने आईबीएम नाम की कंपनी में किया था और 1967 से 1973 मतलब फॉर इयर्स ही वाज कंडक्टिंग द सेम स्टडी ऑन दिस कल्चरल ऑन अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ कल्चर ऑन द वैल्यूज और उन्होंने ये लार्ज डाटा जितने भी इम्प्लॉयज थे आईबीएम के उनको यूज किया था स्टडी के लिए जब ये स्टडी एक बार सक्सेसफुल हो गई उसके बाद हॉपस्टेड ने इसी स्टडी को कई सारे कंट्रीज में किया इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे तो ये मॉडल अप्लाई होता ही होता है नेशनल कल्चर पर भी अप्लाई होता है कि किसी कंट्री का कल्चर कैसा है तो उन्होंने इस स्टडी को मोर देन सेवेंटी कंट्रीज में किया प्लस जिसमें से जो फर्स्ट फोर्टी कंट्रीज थे वो तो हॉफस्टेड ने खुद कर लिए थे और बाद में उसके बाद बाकी के जो कंट्रीज थे उनको डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने प्रपोज किया डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स ने उसने कंट्रीब्यूट किया है और इस तरीके से Uh, इनकी एक पूरी एक वेबसाइट है जिसका मैं लिंक डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में यू कैन गो टू दैट वेबसाइट एंड यू कैन चेक द कंट्री वाइज डिटेल ऑल्सो आप कंट्री वाइज भी हॉपस्टेट पे क्या स्कोर आ रहा है किस किस डायमेंशन पे क्या क्या स्कोर आ रहा है आप वो भी चेक कर सकते हैं सो लेट्स बिगिन विद द डायमेंशन ऑफ दिस मॉडल तो हॉपस्टेट ने बेसिकली पांच डायमेंशन दिए थे द फर्स्ट वन वॉज कॉल्ड पावर डिस्टेंस इंडेक्स सेकेंड वन वॉज कॉल्ड इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म थर्ड वन वॉज कॉल्ड मैस्कुलिनिटी मैस्किलिटी वर्सेसिटी फोर्थ वन वॉज कॉल्ड अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म ओरियंटेशन वर्सेज शॉर्ट टर्म ओरियंटेशन तो किसी भी कल्चर को अगर मेजर करना है तो आपको इन पांच डायमेंशन को डेफिनेटली मेजर करना पड़ेगा और यहां पर मैं दोनों तरह के कल्चर की बात कर रहा हूँ नेशनल कल्चर की भी बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की भी बात कर रहा हूँ तो so, दोनों कल्चर को हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट डायमेंशन दॉल पावर डिस्टेंस अब पावर डिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं द डायमेंशन एक्सप्रेसेज द डिग्री टू विच द लेस पावरफुल मेंबर ऑफ द सोसायटी एक्सपेक्ट एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अन अब पावर डिस्टेंस का यहाँ पर क्या मतलब है कि किसी भी सोसाइटी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हैं उसके, मतलब जो लोग उस जगह पे रह रहे उस सोसाइटी में रह रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो पावर को किस तरीके से प्रसीव करते हैं क्या वो चाहते हैं कि पावर जो है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो या वो पावर को चाहते हैं कि वो पावर सेंट्रलाइज हो जाए इन इन देंड ऑफ सर्टन पीपल अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है द पीपल लाइक टू सेंट्रलाइज द पावर वहां सेंट्रलाइजेशन सिस्टम चलता है जबकि कई जगह पर आपको डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा वहां पर पावर थोड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हुए नजर आएगी तो ये वो फर्स्ट डायमेंशन था अब इसमें उन्होंने कहा द फंडामेंटल इश्यू यहां पर क्या था हाउ सोसाइटी हैंडल्स इन इक्वालिटीज अमंग जो इनइक्वालिटी है किसी सोसाइटी में किसी के पास बहुत पावर है किसी के पास बहुत कम पावर है तो वो जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरीके से है वो इस मॉडल में इस फर्स्ट डायमेंशन में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की द पावर इन द सोसाइटी एग्जिबिट इन द लार्ज डिग्री ऑफ पावर डिस्टेंस एक्सेप्ट द हिरारिकल ऑर्डर इन विच एवरीबडी प्लेस एंड विच नीड्स नो फर्दर जस्टिफिकेशन जिल अब अगर जो भी सोसाइटी जहां पर की पावर डिस्टेंस में बहुत ज्यादा हाई स्कोर है या बहुत ज्यादा हाई डिग्री है इसका मतलब वो लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट हिरारकी में बिलीव करते हैं कि जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा और जो नीचे है वो नीचे ही रहेंगे वो कंप्लीट हिरारिकी सिस्टम में बिलीव करते हैं और इसका कोई जस्टिफिकेशन वो नहीं मानते जबकि ऑन द अदर साइड अगर किसी किसी सोसाइटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको लो पावर डिस्टेंस देखने को मिलता है इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो लोग हैं जो पर लोग हैं वो स्ट्राइव करते हैं इक्वलाइजेशन की तरफ मतलब वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं वो कोई हिरारिकल स्ट्रक्चर में बिलीव नहीं करते वो फ्लैट स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं जहां पर सब लोग एक लेवल पे काम करेंगे सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी और सबके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी इक्वल होगा सो so, यहां पर दो तरह की डिग्रीज हो सकती है हाई डिग्री हो सकता है लो डिग्री हो सकता है हाई डिग्री में हिदार सिस्टम और लो डिग्री में फ्लैट सिस्टम लेट्स कम डाउन टू द सेकंड डायमेंशन दैट्स कॉल्ड इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म द हाई साइड ऑफ दिस डायमेंशन इज कॉल्ड इंडिविजुअलिज्म मतलब अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे इस डायमेंशन के तो आपको इंडिविजुअलिज्म देखने को मिलेगा जबकि अगर आप नीचे वाली साइड पर आएंगे तो वहां आपको कलेक्टिविज्म देखने को मिलेगा अब इंडिविजुअली का यहां पर मतलब क्या है कि हम इंडिविजुअल चीजों को प्रेफरेंस देते हैं हम अपने बारे में बात करते हैं आई यहां पर आई वर्ड यूज होता है कि हर चीज हमारी है इंडिविजुअलिटी है हर चीज में जबकि जब हम कलेक्टिविज्म की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है कि वहां पर सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं वी आर मोर लाइक फैमिली तो यहाँ पर कलेक्टिविज्म जो है वो वी है और इंडिविजुअलिज्म जो है आई है तो आई वर्सेज वी का डिफरेंस है यहाँ पर एक पॉइंट जो तो और हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है वो ये है कि इंडिविजुअलिज्म में हर हाँ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं अपने काम के बारे में सोचते हैं उनको किसी और से कोई भी लेना देना नहीं होता जबकि हम कलेक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होता है कि जो सोसाइटी है वो बहुत ही टाइटली निट है उनका फ्रेमवर्क बहुत टाइट है और क्यों क्योंकि इंडिविजुअलिज्म जो है वो रिलेटिव्स में बिलीव करते हैं वो सोसाइटी में फैमिली में बिलीव करते हैं मोर इंपॉर्टेंटली वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और एक लॉयल्टी नजर आती है टूवर्ड्स ईच अदर फैमिली कल्चर आप कह सकते हैं मोर लाइक अ फैमिली कल्चर दैट वी आर कलेक्टिवली टूगेदर ऑन द अदर साइड इंडिविजुअलिज्म यू आर द ओनली वन यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ ओनली बाकी से आपको कोई लेना देना नहीं है Or difference है आई मतलब इंडिविजुअलिज्म तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जहां पर सिर्फ लोग अपने बारे में सोचते हैं उनको और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर जहाँ की आपको ऐसे लोग मिलते हैं जहां पर हमारा वी का कल्चर है हमारी फैमिली का कल्चर है तो वहां पर आपको कलेक्टिविज्म देखने को मिलता है अगर आप इंडिया की बात करें तो आपको कैसा देखने को मिलता है इंडिया में पहले कलेक्टिविज्म बहुत हाई था हमारी ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी हम एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे पर धीरे धीरे जो अब ट्रेंड चल रहा है वहां पर हमें न्यूक्लियर फैमिलीज देखने को मिलती है तो कहने का क्या मतलब है कि कलेक्टिविज्म से हम इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं ये अच्छा है या बुरा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बट डेफिनेटली मैं एक चीज बताऊंगा कि जो हमारा शिफ्ट है वो डेफिनेटली इंडिविजुअलिज्म की तरफ काफी बढ़ रहा है लेट्स कम टू दर्ड डायमेंशन दैट्स कॉल्ड मैस्कुलिनिटी मैस्कुलटी वर्स्यूनिटी

तो उसके बदले में हमें कुछ रिवॉर्ड मिले और वो भी मेटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ सम काइंड ऑफ गिफ्ट तो इस तरह की चीजों में मेस्कुलटी बिलीव करती है और ज्यादातर जो मेस्कुलटी वाली सोसाइटीज होती हैं चाहे कोई कंट्री होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं क्योंकि ही बात है कि वहां पर आपकी सभी लोग जो है वो सिर्फ रिवॉर्ड की तरफ ड्राइव कर रहे हैं अपने आप को या अचीवमेंट की तरफ ड्राइव कर रहे हैं तो इस वजह से उनमें काफी कॉम्पिटेटिवनेस देखने को मिलता है ऑन द अदर साइड वेन यू टॉक अबाउट फेम्यूनिटी Femininity stands for the preference for cooperation, modesty, caring for the weak, and quality of life. Society at large is more consensus-oriented. इसका मतलब जो feminism है, वहां पर क्या है? वहां पे care है। किन के लिए care है? जिन लोगों, जो लोग कमजोर हैं, जो लोगों में आ, they are weak as compared to other people। तो हम उनका साथ देते हैं। मेस्कुलरिटी में हम उनको क्रश करते हैं हम उनको और दबा देते हैं ऑन द अदर साइड यहाँ पर हमारा कोऑपरेशन में बिलीव होता है हम कॉम्पिटेटिवनेस नहीं रखते मेस्क्यूलिटी में कॉम्पिटेटिव बहुत हाई होता है जबकि फेम्यूनिटी में कोऑपरेशन देखने को मिलता है तो कोऑपरेशन, मॉडेस्टी ये सारी चीजें जो है फेम्यूनिटी सोसाइटी की का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको इसी तरह का कल्चर देखने को मिलेगा कि वहां मेस्क्यूलिटी है या फेम्यूनिटी है

अब वहां पर एक रिस्क लेने की एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुछ लोग रिस्क लेने में बिलीव करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिस्क लेने में बिलीव करती है कुछ सोसाइटी रिस्क लेने में बिलीव करती है ऑन द अदर साइड कुछ लोग जो होते हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं वाइल टेकिंग रिस्क और उनको अनसर्टेनिटी और एम्बिक्यूटी इतना पसंद नहीं होता तो अगर हम इसको फंडामेंटली समझने की कोशिश करें कि तो उसका मतलब यह है कि हाउ अ डील हाउ आर सोसाइटी डील विद द द फैक्ट फ्यूचर कैन नेवर बी नोन शुड वी ट्राई टू कंट्रोल द फ्यूचर और जस्ट लेट इट है वो सिंपल है वो ये है आप फ्यूचर को कंट्रोल करने में बिलीव करते हैं या फिर आप ये बिलीव करते हैं कि जो भी हो रहा है वो तो होना ही था दैट वॉज बाउंड टू हैपन एंड इज वाई इट इज है रीजन वाई अनसर्टानिटी एवॉडेंस पर भी आपको दो तरह के लोग मिलेंगे ऑन वन साइड देर फ्यूचर बाय प्लानिंग और बाय डूइंग समथिंग टूडे ऑन द अदर साइड यू विल फाइंड पीपल हु विल जस्ट बिलीव दैट वट एवर इन दट विलेफिनेटली कांट चेंज एनीथिंग वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो होगा वो भी अच्छा होगा उनकी थ्योरी ये होती है तो कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जिनका भी UAI, UAI मतलब, अगर उनका हाई स्कोर आ रहा है दैट मीन्स वो काफी रिजिड है तो यू ए आई पे यू आई के इंडेक्स पे जिनका भी स्कोर हाई आ रहा है दैट मीन्स वो फ्यूचर को बदलने में बिलीव रखते हैं उनको लगता है की वो फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं

इस डायमेंशन पे स्कोर लो होता है दैट मीनस दे हैव टू मेंटेन टाइम ऑन अ ट्रेडिशन नॉर्म्स व्यूइंग सोसाइटी चेंज सस्पिशन बेसिकली उनका ओरिएंटेशन बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है वो छोटे टाइम पीरियड के लिए सोचते हैं और उसी छोटे टाइम पीरियड के हिसाब से अपने एक्शन को लेते हैं वो अपने ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते ऑन द अदर साइड जिस सोसाइटी में जहां पर उनका स्कोर हाई आ रहा है वहां पर उनकी जो अप्रोच है वो लॉन्ग टर्म है टिक अप्रोच आपको देखने को मिलती है और वो हमेशा इंकरेज करते हैं फॉर द मॉडर्न एजुकेशन मॉडर्न चेंज एंड द द द फ्यूचर तो उनका जो और, जो जो विजन है है दैट इट्स ऑन अदर साइड जिनका स्कोर जो है, वो लो है दैट मीन दे आर ऑन द शॉर्टर साइड तो ये हमारे पांच डायमेंशन हैं तो आई होप कि आपको हॉफ मॉडल सारा समझ में आ गया हो इसके पांचों डायमेंशन और किसी भी जगह के कल्चर को मेजर करने के लिए ये पांचों डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप पांचों डायमेंशन पे कैसा स्कोर बन रहा है किसी सोसाइटी का किसी नेशनल कल्चर का किसी ऑर्गेनाइजेशन का उसी हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिसाइड होता है इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो का उस वीडियो को डेफिनेटली देख लें और उस जगह पे जाके उस वेबसाइट के लिंक में जाकर आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाले सेक्शन में जाके आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप आपको ये मजा आया हो पढ़ करके अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी थैंक यू